चक्रगाछ ये है भारत का पहला गांव माना। और ये रहा गिनीज गुफा, यहाँ पर महाभारत गुफा और उसी के बगल में भारत का प्रथम चाय की दुकान जो देख सकते हो। और ये रहा चाय का दुकान। ये पूरा माना विलेज है, 6 महीने के लिए रहता। और ये पूरा ऐसा गांव है कि यहाँ पर आप लोग को हाथ से बुना हुआ सारा उनका सामान मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आज विजिट करने वाले हैं। अभी आपने देख वीडियो में देखा होगा कि हम लोग बद्रीनाथ का धाम का विजिट किया था। तो बद्रीनाथ के 4 किलोमीटर बाद है माना गांव, जो भारत का पहला गांव पड़ता है। पहले तो ये भारत का आखिरी गांव था, लेकिन अभी 2023 में इसे भारत का पहला गांव का दर्जा दिया गया है। तो दिखाता हूं आप लोग को भारत का पहला गांव। चक्रगाछ ये है भारत का पहला गांव माना। और ये ऐसा गांव है कि यहीं से सरस्वती जी निकलती है और विलुप्त हो जाती है, उद्गम स्थल है और विलुप्त भी हो जाती है। साथ में यहीं पर महाभारत लिखा गया था जो वेद व्यास ने और श्री गणेश ने लिखे थे। और साथ ही ये गाँव ऐसा है कि यहीं से 5 पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे और भीम पुल के पास ही द्रौपदी का निर्धन हो गया था। तो ये चेक करो यार। फाइनली गाइस अभी ऐसा है कि हम लोग हैं माना विलेज में, जो भारत का पहला गांव पड़ता है। पहले भारत का ये लास्ट गांव था, लेकिन अभी है भारत का पहला गांव। तो अभी थोड़ा सा देर में आप लोग दिखाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग चलते हैं जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। तो लेके चलता हूँ भाई। जो विलेज आप देख रहे हो ये है भारत का पहला गाँव। पहले ये लास्ट गाँव हुआ करता था, लेकिन 2023 से ये भारत का पहला गाँव बन गया। और भाई देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी साफ सुथरा रखा गया है। और ये ऐसा है कि यहाँ पर 6 मंथ ही लोग रहते हैं। नवंबर के बाद जो भी लोग हैं वो तो या चंदौली चले जाते हैं, चमोली चले जाते हैं, या तो गुप्तेश्वर चले जाते हैं। तो ऊपर ये रहा श्री गणेश गुफा, यहाँ पर ही महाभारत का दिखाया गया था। चलो कि आप लोग को व्यास गुफा भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल में ये गणेश गुफा दर्शन। देखो यार मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी बने, लेकिन ये देखो ये रहा गणेश गुफा। अभी तो थोड़ा सा मंदिर के रूप जैसे दिख गया है, पूरा पढ़ सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर वीडियो पूछ करके पूरा पढ़ सकते हो। और ये रहे अंदर गणेश जी, यहाँ पर मंदिर के लिखा गया था। अभी पहुँचने वाले हैं व्यास गुफा के पास, जो महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत लिखने में गणेश जी लिखे थे, लेकिन जो रचयिता थे वो व्यास जी थे। तो बस वहीं के गुफा के पास पहुँचने वाले हैं। ये रहा भारत का आखिरी, पहले आखिरी था लेकिन अब भारत का प्रथम चाय का दुकान बन गया है, ये देखो। और यहाँ रहा श्री वेद व्यास का गुफा। तो चलते हैं पहले वेद व्यास गुफा के दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ चाय भी पिएंगे। चेक करो गाइज, हरिओम ब्रह्मा विष्णु है, संस्कृत तो आती नहीं है, लेकिन ये करो दिस होली कैबेज इज 5330 ईयर पहले ओल्ड इज 2022 53,030 साल पहले का ये गुफा है। और उसी के बगल में भारत का प्रथम चाय की दुकान जो देख सकते हो। और ये रहा चाय का दुकान। कि आप लोग अगर बद्रीनाथ घूमने आते हो तो बद्रीनाथ के साथ साथ भारत का पहला गांव जो माना विलेज पड़ता है वो जरूर घूमें। और पूरे माना विलेज में आप लोगों को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, हर जगह आप लोग को मिल जाएगा कूड़ेदान। और यहाँ पर देखो ये रहे हमारे विष्णु भगवान, और उधर रहे ब्रह्मा जी, और पूरे वॉलपेपर पर पूरे यहाँ के घर में इसी तरह का वॉलपेपर बनाया हुआ है जो बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ का व्यू चेक करो, तो आप व्यू तो देखने आपको बनता है कि चारों पट्टी है जो यहाँ से। तो फाइनली गाइस हमें एक नन्हा मित्र मिला है जो सारा डिटेल देगा हमारा माना विलेज और क्या क्या कर देगा। और वो तो मैं बहुत जगह दिखा भी दूंगा। बहुत जगह दिखा भी दोगे? हाँ ले जाऊंगा। चलो तो चलो स्टार्ट करो, तुम लाइक करे चलो। अब बताओ भाई, का बात माने, मेरा मुन्ना माने, ना माने, भाई का बात जरूर। चलिए नदी है ये, सरस्वती नदी है ये,
ये ना तिब्बत की देवताल गांव से आती है, और जो वो आ रही है ना वो अलकनंदा है, वो अलकापुरी से आती है। वहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है, इसे कहते हैं केशव प्रयाग। जो सरस्वती नदी है ना, इन्हें ब्यास जी ने श्राप दिया था। जब ब्यास जी और गणेश जी महाबल लिख रहे थे तो सरस्वती जी की जल की वजह थी, इसलिए ब्यास जी बोलने में डिस्टर्ब हो रहे थे। और गणेश जी तो तेज लिखते थे तो उन्हें तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, तो ब्यास जी तो बोल रहे थे तो उनको डिस्टर्ब हुआ, तो ब्यास जी ने सरस्वती जी को श्राप दे दिया, आप यहाँ से आगे जाओगी तो आप लुप्त हो जाओगी। तो सरस्वती नदी यहाँ से आगे जाती है और वहाँ पे लुप्त हो जाती है। तो यहाँ से आगे जब अलकनंदा नदी बढ़ती है ना, तो इनका संगम ऋषिकेश में गंगा नदी के साथ होता है, तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। और जो ये झरना है, ये है केदारनाथ झरना, और जो ये बर्फ वाला पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। इस नारायण पर्वत के पीछे है केदारनाथ, और चौकम्बा भी है, चौकम्बा माउंटेन एवरेस्ट है। और जो ये वाला पर्वत है, ये है नर पर्वत। इस नर पर्वत के पीछे है नीलकंठ, और जो छोटा सा पर्वत दिख रहा है वो है कुबेर पर्वत, उसके पीछे है चरण पादुका। ओक पर्वत के पीछे, हाँ, उस पर्वत के पीछे चरण पादुका है। हाँ। और जो जो बद्रीनाथ जी है ना, बद्रीनाथ जी होते हैं और 6 महीने हम मनुष्य लोग करते हैं, जिस टाइम हम चमोली चले जाते हैं ना तब भगवान लोग करते हैं। जैसे आजकल हम भगवान बद्रीनाथ जी की को देखने के लिए बहुत तरसते हैं ना, तो समझो हम उनकी जैसे जैसे हम उनके वहाँ दर्शन करने जाते हैं ना, तो हम आगे ना तो समझते हैं बद्रीनाथ जी ऐसा होता है कि ना समझते हैं कि बद्रीनाथ जी की पूजा हो जाए। उनके कपड़े फेमस है, उनके कपड़े सबसे ज्यादा फेमस है, और घी की चाय, घी की चाय। और जो वहाँ पे मंदिर है ना, माता मूर्ति देवी का मंदिर है, इनकी पूजा ना 52वीं तिथि को होती है। जो हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत देवता है ना, ये उनकी माता है, ये उनसे रुचि के लिए हमारे ग्राम पंचायत के देवता मानस मंदिर रखा थे, तो उन्होंने ऐसे कर रखा है, एक दूसरे के तरफ अपने पीठ मोड़ रखा है। तो जो ये माता मूर्ति देवी है ना, इनके 4 पुत्र है, उनके प्रिया पुत्र बताओ कौन है। पहले तो ये है कन्याकरण जी, नर ग्राम पंचायत देवता उद्धव जी, और नर और नारायण। तो सबसे ज्यादा प्रेम उनको करती है उद्धव जी और नारायण जी को, तभी तो नारायण पर्वत उन्हीं के पीछे है, नारायण जी उन्हीं के पीछे है। और उद्धव जी जब भी उनकी पूजा होती है ना, तो रोज उद्धव जी उन्हें से मिलने आते हैं। हो गया? ये मूर्ति है, ये सरस्वती माता की मूर्ति है, और वो कैलाश मान सरोवर का जल है जो चाइना से आता है। जो ये सारी बात है ना, ये पूरी पौराणिक है। पौराणिक मतलब होता है बहुत पुरानी, इतनी साल पुरानी है। जैसे जो ब्यास कुआं में ब्यास पोती थे ना, वो तो 5,330 वर्ष पुरानी है ना, उतनी भी शायद उससे थोड़ी आगे ही है। और आप यहाँ पे हम अभी माता जी का दर्शन करेंगे, और जो ये आ रही है ना, ये सरस्वती माता का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। चलो, और मैं आपको छोड़ती हूँ। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये भीम पुल है, तो इस भीम पुल में भीम जी के हाथ पैर और अंगूठे का निशान है। आपको बताऊंगा मैं आपका भीम पुल, ये रहा भीम पुल, देखो कितना भव्य विशाल, बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पे, ये बनाया था भीम जी ने रखा है। तो इसके बारे में भी एक चेक करो, ये रहा भीम पुल, जैसे हमारा छोटा भाई ने पूरा डिटेल बताया होगा। आज तो थोड़ा सा मेरा आवाज भी फंस रही है, तो थोड़ा सा हम कम ही बताएंगे, पूरा बात हमारा भाई बताएगा। और यहाँ पे सरस्वती माता का जल मिलता है, और यहाँ पर जो बताए कि यहाँ पर सरस्वती माता का उद्गम स्थल है, यहाँ पर सरस्वती माता निकलते हैं, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद सरस्वती माता लुप्त हो जाते हैं। तो मैं भी बताता हूँ, सरस्वती माता का जल है ना, ये विद्या बुद्धि साहस और बल भी आता है, फिर सरस्वती माता हमको देती है। तो सरस्वती माता का जल पी के हमको विद्या आती है, तो जो तो सरस्वती माता का जो जल है ना, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ। तो गाइस ये चेक करो, हमको तो पता है कि आपको जो छोटा भाई ने बताया वो ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ये चेक करो, सरस्वती माता जल का महत्व चेक करो। तो भाई का बताया हुआ कैसा लगा जो बताना, और पूरा वीडियो को कमेंट करके बताना। अभी आपको दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को आप शेयर करना, सभी लोगों को बता देना, और सब्सक्राइब भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मिलते हैं भाई आगे वीडियो में। गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं माना के पास,
आप लोग को बद्रीनाथ टेम्पल का व्यू और ये पूरा माना विलेज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। अभी आप लोग को मिलते हैं पांचों संगम के पास, क्योंकि पांचों प्रयाग कल बारिश हो रहा था तो हमने किया नहीं था, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि पांचों प्रयाग कवर करके हम लोग रूप प्रयाग या देव प्रयाग तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई अब घर में निकलना है। और ये रहा हमारा भारत का पहला गांव, यही तो सुंदरता है भाई भारत का। और पीछे रहा नारायण पर्वत।